कुर्बानी करना भी सुन्नत है, कुर्बानी को तकसीम करना भी सुन्नत है, ये भी ज़हन में रखें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानियाँ तकसीम भी करते थे। एक बंदे के पास अगर ताकत है ना, सारी कुर्बानियाँ घर ना करे, अपने किसी रिश्तेदार, अपने भैन के घर, अपने भरा के घर, अपने जो है महल्ले मौलवी के घर। हाँ चलो, ये गल हजम नहीं होनी, लेकिन चलो रहन दे, कोई गल नहीं। ये कुर्बानी जड़ियाँ तकसीम करें कुर्बानियाँ, कि भाई दो चार कुर्बानियाँ, पाँच कुर्बानियाँ, पाँच दस कुर्बानियाँ ज़्यादा खरीदें, कि भाई चलो उनकी भी ईद हो जाएगी, उनकी भी खुशी में शामिल। अभी लोग मसले बड़े पूछने हैं, अल्लाह जानता है। मैं जब ये नहीं कहता मेरी बात है, जिन्हें मसले मैं तुम दसे ने सारी मस्जिद को बंदे ये नहीं पूछे कि मौली साहब तुम इन्ने मसले सब दसे ने, तुम कुर्बानी लई है, तुम्हारी तनखाह इन्नी है कि तुम कुर्बानी लै सकते हो। पूछिए सारे महल जिन्हें मौलवी ने, इला माशाला को बंदा मौलवी कुर्बानी करता है, क्यों भाई? उनकी तनखाह 10,000-20,000 होंगे ही, सब 35,000 का पै रहा है। ये हमारी हालत ज़ार है। जहाँ मौलवी मसले दसदा ना, हम पिछले मैं हज के मसले दसे सर, मैंने तुम किसी ने नहीं पूछा मौली साहब तुम हज किया, तुम चाहिए ही मैं पूछो। एडा वा महला रल के मौलवी हज नहीं करा सकता, ये मसले पूछया करो, नाले दसया पूछया करो, मौली साहब तुम्हारी तनखा किनी है, तुम्हें कुर्बानी की, क्यों नहीं की? महल की इंतजामिया पूछया करो, वो तुम इन्नी वड्डी इंतजामिया घर उठ बने आए, थोड़े मौलवी ने कुर्बानी की है, ये पूछया करो। मैं ये कहता हूँ वो बंदा मस्जिद का सदर बनने के लायक नहीं है, अगर मेरी बात के अंदर मुबालगा नहीं। तो जिस बंदे की अपने घर का खर्चा 2,00,000 है ना, वो मस्जिद के मौलवी को 2,00,000 नहीं ना दे सकता, वो इस्तीफ़ा दे दे, इस्तीफ़ा दे दे, मस्जिद में काम ना करे। भाई कोई आपकी तोहीन नहीं हो रही, अपने बराबर मौलवी को खड़ा करें ताकि लोग दीन बढ़े। आप अगर 10 कुर्बानियां कर रहे हैं, कम से कम देखिए तो ही तुम्हारा मौलवी भी कुर्बानी, एक कुर्बानी ला सकता। बकरा किन्ने का है? चलो तुम दस इधर, बकरे का की रेट है? हाँ जी 1,00,000 रुपया। चलो दरमियाना बकरा जरा तुम मैनू लैके देना, तो किन्ने बधाना है? 70,000-80,000 का, तो 70,000-80,000 को पूछिए मैंने तनखा है मेरी। बहरहाल ये हर मौलवी से पूछा करें, और महलों में पूछा करिए, 10-10, 20-20 कुर्बानियाँ ये मस्जिदों के सदर जो करते हैं ना, ये उनसे पूछे जाकर। मस्जिद के मुंतज़िमीन, खजानची जो मस्जिद के निज़ाम चलाने वाले होते हैं ना, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा था जब खिलाफत उनको मिली थी, उन्होंने कहा था मेरी तनख्वाह उतनी मुकर्रर करो जितनी एक मजदूर की है, अगर तो मेरा गुजारा हो गया ठीक है, वरना मैं मजदूर की तनख्वाह ज़्यादा कर दूंगा, वरना मैं मजदूर की तनख्वाह ज़्यादा कर दूंगा। हम साड़ी तनखा जी 5-5 लाख रुपया घर सा खर्चा पूरा नहीं होता, तो मौलवी ना, मौलवी तेरा 20,000 गुजारा नहीं होता, तेरा करना की है तू? तो ये तो बहरहाल बात, ये भी चीज़ें कि मौलवी मसले बताता है उम्रे के, हज के, कुर्बानी के, ये सदका खैरात के, इफ्तारी करवाने के। तो कम अज़ कम सारा महल्ला मिलकर अपने उलमा की इतनी इज्जत हौसला अफजाई किया करें, उनकी तनख्वाह इतनी मुकर्रर करें कि लोग दीन पढ़ें। नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।